देखिए क्वेश्चन क्या है, इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इन महाराष्ट्र स्टेट 9% कैंडिडेट गॉट सिलेक्टेड फ्रॉम द टोटल अपेयर कैंडिडेट, ठीक है। त्रिपुरा स्टेट हैज द नंबर इक्वल नंबर ऑफ कैंडिडेट अपेयर्स एंड 12% कैंडिडेट गॉट सिलेक्टेड विद 102 मोर कैंडिडेट गॉट सिलेक्टेड महाराष्ट्र स्टेट, व्हाट वाज द नंबर ऑफ कैंडिडेट अपेयर फ्रॉम द ईस्ट स्टेट। क्वेश्चन क्लियर है कि महाराष्ट्र स्टेट में जितने भी कैंडिडेट होंगे उनमें से 9% कैंडिडेट सक्सेसफुल हुए, त्रिपुरा से जितने भी कैंडिडेट है उसने 12% कैंडिडेट सक्सेसफुल हुए, पर नंबर ऑफ कैंडिडेट इक्वल है, एक बात। दूसरी बात, त्रिपुरा में 102 कैंडिडेट एक्स्ट्रा होगा, ऑब्वियसली 12% है। तो इस क्वेश्चन में अगर आप लॉजिक समझे तो केवल इन दोनों में 3% का डिफरेंस है, तो आप ऑप्शन से 3% देख लीजिए, जो 102 दे वो करेक्ट है। जैसे अगर आप 3400 का 3% निकालेंगे तो 102 आया, देन दिस इज द राइट आंसर, यानी सिंपलेस्ट वे में आप कर सकते थे। अगर आप सपोज इसका निकालते तो थोड़ा सा एक आइडिया के लिए दे रहा हूं, तो कितना आता 90, यानी आंसर गलत है। इस तरह से आप इजीली क्रॉस चेक कर सकते थे, क्योंकि दोनों स्टेट में नंबर ऑफ स्टूडेंट सेम, एक में 9% सक्सेसफुल हो रहे हैं, एक में 12%, और हमें यह पता चलता है कि जहां 12% हो रहे हैं वो 102 कैंडिडेट ज्यादा है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपेयरिंग महाराष्ट्र या त्रिपुरा से कितने, ये क्वेश्चन पूछा था, तो 3% के डिफरेंस से आपने इजीली इसको सॉल्व कर दिया।